मुक्तानंद साड़ी के घर के बाहर काफी समर्थकों की भीड़ जुट रही है, जिसको हटाने के लिए प्रशासन यहां लगा हुआ है। जिलाधिकारी और जिले के एसपी हैं खुद यहां मौके पर मौजूद है, लेकिन अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो वहां समर्थक हैं वो लगातार यहां जो रहे, बाजारें बिल्कुल बंद हैं और इस स्थिति में यहां पर जो पुलिस की मुस्तैदी है वो बढ़ाई गई है। कुछ अधिकारी यहां पर लगातार यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मुस्तैद हैं यहां पर, और ऐसे तौर में उनसे हम सीधे बात करते हैं कि किस तरीके से जो यहां पर जो अधिकारी हैं वो लगातार यहां पर कर रहे हैं। व्यवस्था को लेकर सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, पर्याप्त फोर्स हमारे पास उपलब्ध है और मैजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी भी लगा दी गई है। और यहाँ पर भी लोगों से कहा गया है कि वो लोग परिवार से मिलकर निकलते रहें, कहीं पे भी भीड़ ना लगाएं, क्योंकि आदर्श आचार संहिता भी लगी है, सेक्शन 144 भी लगा हुआ है, एक जगह पे इकट्ठा होना मना है। तो वही लोगों को समझा रहे हैं और यही सबसे अनुरोध है कि संयम बरतें और परिवार से मिलकर के अपना निकलते जाएं। जुम्मे की नमाज के लिए भी सभी तैयारी है, सभी इमामों से बात हो गई है हमारे प्रशासनिक टीम की और सभी जगह ड्यूटियां हैं, शांतिपूर्ण ढंग से जुम्मे की नमाज अदा कराई जाएगी। मैडम, बाड़ी जो कब तक आने की उम्मीद है, क्या अभी जानकारी? अभी नहीं कह सकते क्योंकि हम जिला प्रशासन बांदा से टच में हैं और वहां पर जो पंचनामा और बाकी पेपर वर्क होता है वो सब चल रहा है पीएम की कार्रवाई के लिए, और जैसे ही वहां से सूचना आएगी वैसे आपको अवगत कराया जाएगा। यहाँ पे जिलाधिकारी जो वो बता रहे थे और इसके साथ ही हमारे एसपी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं, जो इंजाम हैं वो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, उस पे पल-पल की सिचुएशन पे हमारे किस तरीके से देखिए आप यहाँ पर जो है जुमे की नमाज, इस वजह से प्रशासन यहाँ पर ज्यादा चौकस है और यही वजह है कि जो लगातार बांदा जिला प्रशासन से लोग कॉन्टेक्ट में हैं और उसी हिसाब से यहाँ पर भी जो है मोबिलाइजेशन को देखा जा रहा है, भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है। पूरी तैयारी है, परिजनों से बात हो गई है, उसे नियंत्रित किया जाएगा और सब लोग इसके फेवर में हैं और उस समय जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल सर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं? जो लोग अपना जो संवेदना व्यक्त करने आ रहे हैं संवेदना व्यक्त करें और अपना वापस घरों को जाएं। बाकी लोग जो आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे परिजनों का कहना है कि लोग आ रहे हैं एक ही जगह इकट्ठा होने से दिक्कत होती है, तो इसीलिए लोगों से अपील की जा रही है कि जो लोग अपना शोक संतप्त परिवार से मिल चुके हैं वो मिलने के बाद वापस जुमे की नमाज भी सभी जगह पर्याप्त, शहर में भी यहाँ पे भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं इसके। यहाँ पर जो एसपी हैं उमेर से वो हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो भी लोग आ रहे हैं उनको यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि जो लोग हैं वो यहाँ से बाहर जाएं और जो लोग मुलाकाती हैं जो लोग आ रहे हैं वो मिलकर यहाँ से चल जाएं। अभी कुछ देर में जुमे की नमाज शुरू होगी, उसको लेकर भी प्रशासन यहाँ काफ़ी मुस्तैद दिख रहा है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ आहूजा, गाजीपुर न्यूज़ 24।